हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। दोस्तों, आपने कई तरह के अचार खाए होंगे, पर आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची का अचार। जी हाँ, मिर्ची का अचार बहुत ही टेस्टी, बहुत कम चीज़ों में और फटाफट से बन जाता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो देखते हैं, इसके लिए लगने वाली सामग्री हमें चाहिए होगी हरी मिर्च। हम इस तरह की पकौड़े वाली हरी मिर्च लेंगे, मोटी वाली, जो कि कम तीखी होती है। इसे इस तरह से बीच में से चीरा लगा लिया है हमने। ये 300 ग्राम है। इसके अलावा हमारे पास एक कुकिंग के लिए ऑयल हमें चाहिए होगा। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। 3 लेमन जूस लिया है, मीडियम साइज़ के लेमन लिए थे मैंने। 2 टेबलस्पून मैंने राई लिया है, और इस कच्चे ही राई को हमने मिक्सर में एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में इसे कर लिया है। एकदम पाउडर हो गया है ये। इसके बाद हमारे पास है हींग। आप हींग की भी हमें ज़रूरत होगी। तो देखते हैं फटाफट से इसे किस तरह से बनाना है। गैस पर हमने कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दी है। उसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भरकर ऑयल। अचार में बहुत ज़्यादा तेल चाहिए, जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है अचार की। अब हमने तेल को गर्म होते ही तुरंत हम इसमें डालेंगे मिर्च। गर्म हो चुका है तेल, अब हम इसमें डालेंगे मिर्च डालने के बाद ये तुरंत जब भी आप मिर्ची का यूज करेंगे अचारी मिर्च बनाने के लिए, तो उसके लिए आप मिर्ची को इस तरह से चीरा जरूर लगाएं, वरना मिर्च तेल में जाने के बाद बहुत तेज फटेगी और उड़ने लगेगी, जिससे आप इंजर्ड हो सकते हैं। इसलिए मिर्च को हमेशा कट करके डालिए। फ्लेम को हम फिर से हाई करते हैं और मिर्च को इसी तरह से थोड़ी देर तक के लिए, 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह लगातार स्टर करते हुए इसे पकाएंगे तेल में। इस वक्त हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। मैंने सामग्री में आपको नमक नहीं बताया था, पर इसमें नमक भी डालेंगे। ये मैंने डाल दिया स्वादानुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार जितना डालते हो, बस इससे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालना, क्योंकि अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा नमक डालिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। 1/4 टीस्पून भर के आप इसमें हींग डालिए। ये गया हमारा हींग इसमें। अब हम इसे फिर से स्टर करेंगे। आंच को मध्यम रखिएगा। स्टर करने के बाद तुरंत हम इसमें डालेंगे पीसे हुए राई, जो कि 2 टेबलस्पून राई हमने कच्चे ही पीस लिए थे मिक्सर में, पाउडर कर लिया है उसका। इसे भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देंगे। और अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। इस तरह से अच्छी तरह से सारा मसाला इसमें कोट हो जाने के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे। और इस वक्त हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी भी मैंने सामग्री में नहीं बताई थी, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हो तो डालिए, वरना ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। मैंने इसमें 1/2 चम्मच भरकर हल्दी डाला हुआ है, आधी छोटी चम्मच भर के। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम तुरंत इसमें डालेंगे पानी। अब हम देखते हैं कि कितना पानी इसके लिए ज़रूरत होगा पकने के लिए। 1 ग्लास हमने पहले पानी डाला था, ये थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इतना पानी इसे पकने के लिए काफ़ी है। आप अगर खट्टा ज़्यादा पसंद करते हो तो 1 या आधा नींबू का रस और ज़्यादा डाल सकते हो, वरना इतना नींबू तो काफ़ी है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसका पानी सूखने तक हम इसे पकाएंगे, जब तक कि ये इसका पानी पूरा सूख जाएगा और बाद में इसमें से तेल छूटने लगेगा। तब तक हम इसे ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर ही पकाते रहेंगे। तो देख आप देख रहे होंगे कि इसमें का पानी जो है लगभग सूख चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है इस तरह से ऊपर आना शुरू हो गया है, पर हमें और थोड़ी देर तक इसे, अब हम इस वक्त फ्लेम को लो कर देंगे, एकदम स्लो कर देंगे, और उसके बाद भी हम इसे 5 से 6 मिनट तक स्लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर पकाएंगे कि मिर्च जो है अच्छी तरह से पक जाए। अब हमारी मिर्च जो है पकना शुरू हो गया है ऑयल के साथ, तो हमें पूरी तरह इसे ऑयल के साथ ही पकाना है। अब हमने फ्लेम को एकदम स्लो कर दिया है। अब हम इसके ऊपर रख देते हैं ढक्कन
और 5 मिनट बाद हमारी अचारी मिर्च बनकर एकदम रेडी हो जाएगी। अचार का पानी पूरी तरह सूख चुका है, मिर्च भी अच्छे से पक चुकी है, देख सकते हो आप। इस तरह से इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, ये देखिए। इस वक्त हम फ्लेम को जो है बंद कर देंगे और हमारी अचारी मिर्च बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हो। वैसे तो ये 4 से 5 दिन अच्छे से रहता है, आप सफर में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये इसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा है। और आप इसे ज्यादा दिन तक रखना चाहते हो स्टोर करके, तो आप इसे फ्रिज में रखिए। पर कोई भी चीज ताजी बना के खाओ तो उसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए। और इसे बनाने में वक्त भी कम लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने चाहने वालों में इसे शेयर कीजिए। अब तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस देखने का मौका मिले। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। एंजॉय।